गुलाबी ठंड और सुनहरी धूप के बाद एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार उत्तर भारत में मानसून की वापसी हो रही है। बादलों का रुख इस वक्त कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। यहां गरज और बिजली के साथ हल्की से सामान्य बारिश देखी जा सकती है। इसके अलावा 15 अक्टूबर तक भारत के दूसरे क्षेत्रों के लिए भी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। चलिए बताते हैं मौसम विभाग ने अपने ताजा अनुमान में क्या क्या जानकारी दी है, किन किन राज्यों में मानसून की वापसी बताई गई है। आईएमडी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में खास तौर से उत्तर भारत में मानसून की वापसी बताई है। रिपोर्ट के अनुसार एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की पहाड़ियों की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते मानसून की वापसी हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की पहाड़ियों में पहुंचने के बाद लंबे समय तक रहेगा और 17-18 अक्टूबर तक उत्तर भारत को प्रभावित करेगा, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी, तो वहीं मैदानी इलाकों में 18 अक्टूबर तक मौसमी गतिविधियां होंगी। अनुमान है कि बारिश 14 अक्टूबर से शुरू होगी। सबसे पहले पंजाब और हरियाणा की तलहटी में देखी जाएगी। इसके बाद 15 अक्टूबर के आसपास राजस्थान के कुछ हिस्सों और दिल्ली को कवर करेगी। 16 अक्टूबर को जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी समेत पश्चिमी राजस्थान में देखी जा सकती है। 17 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में देखी जाएगी। 18 अक्टूबर के बाद ही साफ मौसम के आसार हैं। इसके साथ ही आईएमडी ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के आसार भी नजर आ रहे हैं, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गंगी पश्चिमी बंगाल और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में भी जल्द ही बादल बरसेंगे। भारतीय मौसम विभाग के साथ ही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट ने भी मानसून के लिए अपडेट जारी की है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक केरल, आंतरिक तमिलनाडु और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दक्षिणी कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 14 अक्टूबर को गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। वहीं 15 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बर्फबारी देखी जा सकती है। गोवा, कोंकण, पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में भी हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही दक्षिण गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सहित तेलंगाना के एक या दो हिस्सों पर भी छिटपुट बारिश की संभावना है। मौसम से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।